क्या नौटंकी लगा रखी है ये? ये नौटंकी नहीं, आपके घर के बेटे की करतूत है। इस आदमी ने तीन तीन औरतों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया है। तीन तीन औरतें? ये क्या बकवास कर रही है आप लोग? हाँ, ये क्या बदतमीजी है? लगता है आज का न्यूज़पेपर देखा नहीं है आप लोगों ने। देख लो इसे तो आपको सच का पता चल जाएगा। क्या लिखा है, हम भी देखे जरा। क्या लिखा है वो जिसमें? पांडे इंडस्ट्रीज के मालिक विनायक पांडे का चक्कर नौकरानी के साथ। विनायक पांडे ने किया अपनी मरी हुई पत्नी की बहन को प्रेग्नेंट। लगा है अपनी नौकरानी के चक्कर में। देखिए, ऐसा कुछ नहीं, ये सब झूठ है, बकवास है। तुम तो बीच में ना बोलो तो ही अच्छा है। ये विनायक पांडे एक नंबर का इलाश है। पत्नी के मरने के बाद साली को प्रेग्नेंट किया, अब तेरे साथ खेल खेल रहा है। अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम इसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। क्या करने वाले हो तुम लोग? खबरदार, जो आगे बढ़ने की हिम्मत की तो तू हट जा रास्ते से। तू अभी भोली है, तू इसका चेहरा नहीं पहचानती। आज हम इसे सजा देंगे। आज इस विनायक पांडे का चेहरा इस कार्तोल से काला करेंगे और पूरे आगरा शहर में इसे घुमाएंगे, ताकि फिर से कोई अय्याश आदमी ऐसी हरकत करने की जरूरत ना करे। देखिए, आप लोग जो सोच रहे हैं समझ रहे हैं, वो सच नहीं है। मैं मानती हूँ फोटो हमारी है, लेकिन वो खबर सच्ची नहीं है। अरे वाह, वकील है तू इसकी? अब तो साफ साफ ये साबित हो गया है कि तू भी इसके करतूतों में शामिल है। शर्म नहीं आती तुझे? एक नौकरानी होके मालिक के साथ अय्याशियां करती हुए। दूसरी औरत जो इतने साइड ले रही है इसके। रंगीनी, हाथ कैसे लगा रंगीनी को? देखा देखा तुम सबने कैसे उसे दर्द हुआ? तुम मर्दानगी बाहर आ गई। अब तो इस बात का यकीन हो गया है कि इन दोनों में जरूर कुछ चक्कर चल रहा है। बुआ जी, कुछ कीजिए वरना गजब हो जाएगा। हम करते नहीं 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 नहीं, नहीं। ये औरतें तो बड़ी खतरनाक लग रही है। कमबख्त अगर इन्होंने हमारे कोरे कोरे चेहरे पे काली लगा दी तो नहीं नहीं, नहीं। हम रिक्स नहीं ले सकते। ले चलो अपने साथ। अरे हम है रंगीली जबान है, कटली फंसते नहीं है जाल में, कमी नहीं बकाल। खबरदार, जो बाबू को छूने की कोशिश की तो सर धड़ से अलग कर दूंगी। दूर हटो, पास में बताना। तुम जैसी औरतों की वजह से ही ये सब हो रहा है। तुम जैसी औरतें ही समाज को बदनाम करती है, औरतों को बदनाम करती है। भाषण पूरी हो गई हो तो बाहर का रास्ता देखो, वरना जो ये जुबान चपड़ चपड़ कर रही है उसे भी काट के हथेली में थमा देंगे। निकल यहाँ से। चलो देख लेंगे। चलो बहनों, इन्हें जो करना है करे। कमबख्त, ये सिद्धि तो मौका देख के फिर से हीरोइन बन गई विनायक की नजरों में। हमें विनायक को अपनी तरफ लाने के लिए कुछ नाटक करना पड़ेगा। माया, गौरी, मैं माया रानी, क्या हुआ तुम्हें? अरे उठाओ उठाओ बिट्टू। गौरी,
माया, माया उठो, माया। बाबू कहाँ देख रहे हो, जल्दी से कमरे में लेके जाओ। तो कुछ भी कर ले सिद्धि, लेकिन हम अपने विनायक को तेरे पास नहीं आने देंगे। अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है तुझे हमने, अगले 24 घंटे में पूरी फिल्म भी दिखा देंगे। अगले 24 घंटे में विनायक हमारे हो जाएंगे और तू विनायक की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर। माया तुम ठीक हो ना? अचानक क्या हो गया था तुम्हें? आपके होते हुए हमें कुछ हो सकता है क्या? वो मैं सब मां बनने वाले हैं ना, इसलिए घबराहट की वजह से थोड़ा चक्कर सा आ रहा था, और कुछ नहीं। मैं आता हूँ, ठीक है? विनायक थोड़ी देर हमारे साथ रहिए ना, पता नहीं क्यों आज बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है हमें, ये सोच के कि क्या होगा हमारा और हमारे बच्चे का। पता नहीं क्यों पर मन बहुत घबरा रहा है। हमारे साथ रहिए ना थोड़ी देर, प्लीज। तुम चिंता मत करो माया, आई प्रॉमिस यू मैं हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है? मैं काम करता हूँ, तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस लेके आता हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि हमारे और विनायक की फोटो न्यूज़पेपर और मीडिया वालों के पास पहुंची कैसे। माया के मां बनने वाली बात तो अभी तक बाहर वालों को पता ही नहीं। कौन हो सकता है जो इन बातों का गलत इस्तेमाल कर रहा है? माया, सत्य ये है कि हम ही ने विनायक के हाथों तुझे मरवाया था। देखते आज तुझे कौन बचाता है। उसका बच्चा, माया गिर के ऐसे हरकत कैसे कर सकती? अगर उसके बच्चे को कुछ हो जाता तो। इश्क की हर जस्तजू तुझ पे खत्म, तुझसे शुरू सावन भी तू। जो काम अधूरा रह गया उसे पूरा किए बगैर नहीं जाऊंगा मैं यहां से। कौन सा काम? थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए। अजीब ही प्राणी हो तुम बाबू, बाहर इतना तमाशा हो गया लेकिन तुम्हारे माथे पे एक सिकन्ना ही है। कहां से लाते हो इतनी हिम्मत? मेरी हिम्मत की वजह सिर्फ तुम हो सिद्धि, और तुम्हारा प्यार है। और वैसे भी सिद्धि की होते हुए विनायक पांडे का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं हर मुश्किल से हर परेशानी से जीत सकता हूँ। तुम यहां से जाओ बापू, कुरी मेम पेट से उन्हें इस वक्त तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। उनके बच्चे को कुछ हो गया तो। इश्क की हर जस्तजू तुझ पे खत्म। सिद्धि का विनायक कभी अपनी जिम्मेदारियां निभाने से पीछे नहीं हट सकता, कभी नहीं। और मैंने वैसे भी माया और उसके बच्चे के लिए डॉक्टर को पहले बुला लिया। अब डॉक्टर कौन हो आप और किसने बुलाया आपको? हेलो, मैं डॉक्टर सौम्या तिवारी हूँ, आगरा के सिंगल हॉस्पिटल में मैटरनिटी स्पेशलिस्ट हूँ। मुझे विनायक सर ने आपका और आपके बच्चे का चेकअप करने के लिए भेजा है। सो या
एक मिनट, अब आप हमारी परमिशन के बिना हमारा चेकअप कैसे कर सकती हैं? सॉरी टू से बट मुझे ऐसा विनायक सर ने करने के लिए बोला है, इसलिए मैं कर रही हूँ, आप प्लीज। ये कैसे हो सकता है? आपके पेट में तो बच्चा है ही नहीं। इसका मतलब आपने सबसे झूठ बोला कि आप मां बनने वाली हैं, राइट? ऐसा ना ही हो सकता पाप। कीमत काम की ना ही, इंसान के जज्बात की होती। गोरी मेम के पेट में तुम्हारा अंश पल रहा है और उन्हें इस भगत तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर तुम बाहर रहोगे तो उन्हें हिम्मत भी मिलेगी। और डॉक्टर क्या बोल रहे हैं वो का भी पता चल जाएगा तुम्हें, तभी तो तुम उस बच्चे का अच्छे से ख्याल रख पाओगे। जाओ यहाँ से, तुरंत जाओ। चला जाऊंगा, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि विनायक पांडे से कभी कोई जबरदस्ती नहीं करा सकता सिवाय उसकी सिद्धि के। कमरा उस तरफ। पता है, माया के लिए जूस लेने जा रहा हूं। बच्चा होगा कैसे जब बच्चा कभी था ही नहीं? मतलब साफ है कि हम प्रेग्नेंट नहीं है। हमने घर पे मां बनने का नाटक किया। ये सब मैं चलती, विनायक को बता के कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसके पहले हम अपनी जान दे देंगे। छोड़ो फिर माया, जान देना ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। छोड़े से क्यों किया तुमने ये सब? इसी रास्ते तो हमारी पूरी जिंदगी टिकी है। अगर घर वालों को जरा सी भी भनक लगी, पता चला कि हम प्रेग्नेंट नहीं है, तो हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा। अगर आपने किसी को कुछ भी बताया तो हम इसी स्टेटस को अपनी जान दे देंगे। छोड़ो छोड़ो से, पागल पागल हो क्या? हाँ पागल है, हम विनायक के प्यार में पागल। और अभी आपने हमारे पागलपन की हद देखी नहीं। तो हम ये सारी दवाइयां खा के हम अपनी जान दे देंगे, और फिर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी और उसमें गलत दवा देने और ज्यादा डोज की वजह से आप पर इल्जाम लगेगा तो जेल आप भी जाएंगी। आगरा में आप फेमस तो पहले से ही, इस केस की वजह से और भी फेमस हो जाएंगी। अब फैसला आपको लेना, आपको अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वानी है या फिर घर वालों से झूठ बोलना कि हम प्रेग्नेंट और हमारा बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। डोंट वरी विनायक सर, माया जी और उनका होने वाला बच्चा बिल्कुल ठीक और हेल्दी है। आपको बस थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, ख्याल रखिएगा। जी डॉक्टर, थैंक यू सो मच। जी मैं चलती हूँ। ये पागल लड़की थी, बच गई नहीं तो प्रॉब्लम हो। कौन हो तुम और इस तरह मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो? मुझे जाने दो। तुम मुझे अपना शुभचिंतक ही समझो, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी और माया की बात सुन ली है। कौन माया? मैं किसी माया वाया को नहीं जानती। ये सब तुम क्या कह रही हो?
देखो, मैं तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आई हूँ। एक मैं ही हूँ जो तुम्हें माया से बचा सकती है। तुम माया को जानती नहीं, वो अपनी सनक में आके कुछ भी कर सकती है, अपने साथ भी और तुम्हारे साथ भी। बस मुझे सच सच बता कि माया पेट से है या नहीं। नहीं, वो प्रेग्नेंट नहीं है। मैंने मजबूरी में मिस्टर विनायक से झूठ बोला था क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने सबसे झूठ नहीं बोला तो वो सुसाइड कर लेगी और मुझे गलत ट्रीटमेंट के इल्जाम में जेल भिजवा देगी। मेरा करियर खराब हो जाएगा, मेरा लाइसेंस कैंसिल करवा देगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? प्लीज मुझे बचाओगी क्या? तुम घबराओ मत, तुम्हें बचाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बस तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। क्या काम? मुझे क्या करना होगा? तुम्हें सबके सामने ये साबित करना होगा कि माया पेट से ना ही और वो सबसे झूठ बोल रही है। ये सब इतना आसान नहीं है। इसके लिए माया का ब्लड टेस्ट करना होगा और उसकी मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही ये सबके सामने प्रूव हो पाएगा कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। ठीक है, माया की खून की जांच करवानी पड़ेगी तो वो भी कराएंगे। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, जांच के वास्ते माया का खून मैं लाके दूंगी तुम्हें। कान्हा जी का लाख लाख शुक्र है कि माया और उसका होने वाला बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। जी दतिया, डॉक्टर से मेरी बात हुई है और वो कह रहे थे कि माया की तबीयत अब पहले से बहुत बेटर है। लेकिन आज तुम्हारी हालत खराब होने वाली है विनायक पांडे। अरे खन्ना साहब, आप अचानक सब ठीक तो है ना? वीनू, ये कौन है? दीदी, हमारी कंपनी के सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर है मिस्टर शिवम खन्ना। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। खन्ना साहब आइए बैठिए। क्या बात हो गया, इतना गुस्से में क्यों? गुस्सा नहीं करूं तो आरती उतारो तुम्हारी। तुम्हारी इस घटिया हरकत की वजह से पूरी मार्केट में हमारी बदनामी हो रही है। पूरा मार्केट हम पे थू थू कर रहा है। कहाँ है वो नौकरानी? कौन हो तुम सब? और हिम्मत कैसे हुई बाबू के गिरेबान को हाथ लगाने की? छोड़ो ने। तो तुम हो वो रंगीली जिसके चर्चे आजकल आगरा में हो रहे हैं? हाँ, यही है वो कम्बा। दो कौड़ी की नौकरानी। अरे जब से हमारी जिंदगी में आए हैं ना, हम सबका जीना हराम कर रखा है। हम तो कहते हैं आज इसे ऐसा सबक सिखाइए कि सारी जिंदगी याद रखे। सुषमा, तुम लोग मेरा मौका देख रहे हो, पकड़ो से। इससे हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारे। पीछे हटो। अरे अरे अरे, रुकिए रुकिए, ये अप्पा है, ये बच्चे को कुछ मत करो। अरे ये सब अप्पा है ये। तुम बीच में मत आओ विनायक पांडे। ऐसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ जो अपने अमीर मालिकों को फंसाकर उन्हें बदनाम कर उनके पैसे लूटती है। इसी के कारण हमारा इतना नुकसान हुआ है। ऐसे लालची लोगों से डील करना आता है मुझे। आज तो हमारी किस्मत उम्मीद से ज्यादा साथ दे रही है। इस इन्वेस्टर ने तो सिद्दीक को मुजरिम ही बना लिया। अब क्या करेगी बेचारी सिद्दीक? बड़ी आग लगी है ना तुझे। पराए मर्दों के साथ
अपनी आग बुझाने का बड़ा शौक है तुझे। आज मेरे आदमी तेरी आग बुझाएंगे। छोड़ इनका, हाथ छोड़, तो तुम्हारी जान ले लूंगा। विनायक कितना प्यार करते हैं हमसे, आज भी हमारे लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार। घर की लक्ष्मी को हाथ लगाने की गलती करेंगे ना तो फिर और किसी गलती करने लायक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। पैसा इंसान को तबीज और औरतों की इज्जत करना नहीं सिखाता। आज के बाद मैं तेरी जैसे कमीने इंसान के साथ कभी बिजनेस नहीं करूंगा, समझ में आया? छोड़ 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 दे बीनू बेटा, ये आदमी घटिया है ये सच है, लेकिन हमारे कारण इसकी हानि हुई है ये भी सत्य है। इसे इसे क्षमा कर देना चाहिए। किस्मत अच्छी है तेरी कि मुझे दद्दिया ने आज रोक दिया। आज के बाद अगर मुझे अपनी शक्ल दिखाए ना तो तेरी ये हालत करूंगा तो अपना मुंह नहीं पहचान पाएगा। जिससे पहले मैं तुझे मार मार के इस घर से बाहर निकालूं। दफा हो यहां से। निकलो यहां से। बेटा हमारे शेयर के भाव बाजार में गिरते ही जा रहे हैं और इसका कारण है तुम्हारे और रंगीली के बीच के संबंधों की एक खबर। पता नहीं इस समय क्या करना उचित होगा। इस समस्या का कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा ताकि हमें हमारे व्यापार में हमारी साख और हमारे परिवार को मान सम्मान फिर से वापस मिल जाए। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। दद्दिया मेरे पास एक रास्ता है। बोलो रंगीली, क्या रास्ता है तुम्हारे पास? दद्दिया मैं जानता हूं रंगीली किस रास्ते के बारे में बात कर रही है। बहुत हो गया रंगीली, बहुत भूलिया झूठ। बता दो सबको कि तुम कौन हो। बता दो सबको कि तुम मेरी पत्नी सिद्धि हो, मेरी सिद्धि हो। मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन कोई तुम्हारे चरित्र पे उंगली उठाए ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं सब देख सकता हूं लेकिन कोई तुम्हारी बेइज्जती करे मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। तुम्हारी आंखों से बहते हुए आंसू को नहीं देख सकता। मैं तुम्हें दुख में नहीं देख सकता। अब मुझसे सब और नहीं सहा जा रहे। टूटने से बस एक कदम की दूरी पर खड़ा हूं मैं। मुझे बचा लो सिद्धि।
Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.